निकलने वाले हैं फाउंटेन हाउस के लिए, जो कि पंजिम में है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर। तो अब हम गेट बंद कर देते हैं मेंशन का। फ्रेंड्स, हम अपने स्टे से अब निकल रहे हैं। रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे मिलने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। चर्च दिखाते हैं, जो कि यहाँ से फाउंटेन हाउस से बिल्कुल पास में है, लेफ्ट हैंड पे 50 मीटर दूर है। ये चर्च है जो कई बॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोकल्स की भी भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। अभी हम फाउंटेन हाउस में हैं, यहाँ से निकल के हमको पैरा रोड या फिर राइस मैंगो बोट जाना है। बहुत एंजॉय कर लिया है, बहुत सारी फ़ोटो ले ली हैं। यहाँ पे अभी एक गाने की शूटिंग भी चल रही थी, उसके भी कुछ शॉट्स हैं हम लोगों के पास, उनको डालेंगे तो आप देखना कौन सा है वो। बाकी यहाँ पे आके बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि यहीं रुके रहें, दिन भर यहाँ पे फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें, इसके अलावा और कुछ ना करें। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने लंच नहीं किया है। बड़ी ही प्यारी जगह है ये फाउंटेन हाउस। मैडम कहाँ गए, वो भी फ्रेम में से हम पहुंच गए हैं। योर लेडी इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च, पहले भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 6-7 बार जब भी आए हैं तो यहाँ होके ज़रूर गए हैं। सिम्बा की शूटिंग हुई है यहाँ, जहाँ वो प्रोटेस्ट करते हैं बच्चों के साथ, वही है ये वही सीढ़ियाँ हैं। ये में आप भीड़ भाड़ देख लीजिए, यहाँ दिखती है। इस रोड पर हमेशा इतना ही ट्रैफिक रहता है, सुबह टाइम, शाम टाइम, दोपहर टाइम और रात के टाइम का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि पंजिम में सब लोग आते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डोसा आ गया है। कामत होटल है ये, बिल्कुल इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च के पास है। होटल अच्छा है, डोसा एवरेज है, 90 रुपीज़ का है, बढ़िया है। ये पानी पीने के लिए स्पेशल कटोरी है यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये राइस मैंगोस चर्च है, और अभी हम लोग मैंगोस फोर्ट के लिए ऊपर जाने वाले हैं। देखते हैं टिकट विकेट एंट्री है क्या है। मैडम को बैग लगा दिया है कि आप लेके जाओ, कुछ ब्लॉगिंग में मदद करो।
थोड़ा बहुत मैडम जी को भी ब्लॉग में ले लेना चाहिए। चढ़ाई तो बढ़िया है। जय माता दी। जय माता की बोल के चल रही हैं चर्च में। नहीं सॉरी, ये तो म्यूजियम है। थक जाती हैं मैडम, वजन बढ़ गया है। मैडम बोल रही हैं पैर का ध्यान रखते हुए चलें। टूट गया था अभी कुछ दिन पहले, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन ब्रेक हो गई थी कोने से। एक महीने में रिकवरी हो गई नहीं कर ली। ये तो चढ़ते नहीं बन रहा है इन पर, इतना चढ़ाई है, क्या करेंगे आगे चल के। ये है गुरु व्यू, पीछे अटल ब्रिज दिख रहा है, अटल सेतु। मैडम का रिलैक्स टाइम हो गया है, चल बैठ गई हैं थक के। तो म्यूजियम में हम लोगों को नहीं घूमना है, इसलिए बाहर घूम लिया है, ड्रोन शॉट ले लिए हैं। अभी कुछ देर बाद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। से निकल रहे हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बारा कोकोनट ट्री रोड, मतलब डियर जिंदगी में जो है आलिया भट्ट साइकिल चलाती है वहाँ जा रहे हैं। कैमरा सब कर दो। तो गाइस हम मिलते हैं फिर आपको पैरा कोकोनट ट्री रोड पर। में यहाँ आए थे तब एक चर्च था जिसको हम लोगों ने दूर से देखा था, और अब हम उसको पास से देखने आ गए हैं क्योंकि पारा रोड जाने वाली सड़क पर ये पड़ता है। तो आपको भी दिखा देते हैं, ये है वो चर्च। मास्क कंपलसरी है अंदर जाने के लिए, इसलिए लगा के आए हैं पहले से। चर्च बहुत ही सुंदर है, पूरा चर्च देखिए आप एक बार फिर से। फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं चर्च से, और अब कुछ देर बाद हम पैरा रोड पहुंच जाएंगे, वहां से आपको दिखाते हैं कोकोनट ट्री रोड को कैसा दिखता है। चर्च से निकलने के बाद अभी हम लोग सेव पूड़ी खा रहे हैं, इसके बाद पैरा रोड जाएंगे। अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए हैं, अच्छे नहीं मतलब आप बताएंगे अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो आपको बताना है। ड्रोन शॉट्स भी ले लिए हैं और कुछ क्विक शॉट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैटरी जो है क्योंकि तीनों बैटरियां ख़त्म हो गई हैं इसलिए कोई भी क्विक शॉट नहीं बनाए हैं। पैरा रोड में बहुत मज़ा आया, बस यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे ये पीछे निकल गया लड़का, ये चार लड़के हैं यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, रोड पर गाड़ी चला रहे हैं बार बार मोड़ मोड़ के, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों पारा रोड घूम लिया है, यहाँ से निकलने वाले हैं। दोस्तों हम
किसी भी कलंकुट आ गए हैं, क्योंकि यहाँ आए बिना हम लोगों की ट्रिप पूरी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शांता दुर्गा माता जी के दर्शन करने आए थे। शांता दुर्गा टेम्पल कलंकुट में अभी भजन चल रहे थे, हम लोगों ने भजनों में भाग लिया है।